ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दिया उन्होंने टोस्ट, जैम, बटर, पिकल पिकल, आलू के परांठे और चाय वो गरम करने लेके आ रहा है चाय गरम करके। काफ़ी अच्छा डिनर भी था और ब्रेकफास्ट भी। आलू के परांठे तो जैसे देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, आगे का पता नहीं, टेस्ट करके बताऊंगा। सर्विस बहुत ही अच्छी है इनकी, आप आओ तो कोशिश करना इनके यहाँ स्टे करने का। रूम्स वगैरह भी क्लीन है क्योंकि अभी साल भर हुआ है इनको बनाए हुए, साफ सुथरे हैं एकदम। एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ, वहाँ आज स्टे करेंगे। रात में हम आपको स्टार्स वगैरह दिखाएंगे वहाँ से, और कल फिर मॉर्निंग में हेनले जाएंगे। हेनले अगर टाइम जल्दी पहुँच गए तो कल ही उमलिंगला पास चल जाएंगे, नहीं तो एक दिन स्टे करके फिर उमलिंगला पास की तरफ बढ़ेंगे। ट्रिप में बहुत ही मज़ा आ रहा है और विंटर का जो मज़ा है वो हम अभी समर में ही ले रहे हैं। जमशेदपुर में 40 से ऊपर गर्मी चल रही है और यहाँ पर -2 degrees है। सुबह में मॉर्निंग में उठने में लेट हो गया, इसलिए अब 10 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया इन्हीं के गेस्ट हाउस में, फर्स्ट क्लास टोस्ट, जैम, इनका घर का बटर, आलू के परांठे विथ चाय। जमशेदपुर से लेकर अभी तक जितनी जगह हमने रुके हैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे ही मिले और अच्छे टेस्ट में मिले, ऐसे नहीं कि टेस्ट ख़राब है, फर्स्ट क्लास टेस्ट था। इनकी रात में डिनर भी बहुत अच्छा था, मसाले कम है सब्जी में भी, तेल नमक भी बहुत कम डालते हैं, अच्छा खाने में मज़ा आता है और सादा खाना था, बहुत ही अच्छा। जब यही फायदा है जहाँ हुंदर में रुके इनका ही होटल है, ये भी एक स्नैप ले रहे हैं अपनी मॉन्स्टर की। ये मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और ऊपर से देखिए कैसे हल्के हल्के बादल नीचे की तरफ आ रहे हैं और ठंड -2 है यहाँ पे। सबसे बेस्ट मुझे यही लग रहा है, मतलब ये गेस्ट हाउस नहीं, जितने भी ले के बाद जितने भी घर हमने देखे, ये वुड वर्क बहुत ही अच्छा वुड वर्क हुआ है हर घर के बाहर। वो देखिए एक बैक साइड में है, ये स्ट्री के बैक साइड में भी एक नया गेस्ट हाउस बन रहा है, वहाँ पर भी है, बहुत ही सुंदर है। देखिए बादल कैसे नीचे उतर रहे हैं। यह है गेस्ट हाउस का नाम, मैं जहाँ पर रात में स्टे किया, काफ़ी अच्छा है, आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हो। ये रहा इनका मोबाइल नंबर भी। बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, आइए और ज़रूर विज़िट कीजिए। और सामने ही आपको बालकनी वाला रूम मिल जाएगा जिससे आपको यहाँ पर देखिए क्या सुंदर व्यू मिल रहा है सामने में। मॉर्निंग में उठते साथ आपको पहाड़ दिख जाएंगे, अभी तो वो बर्फ क्लाउड से ढक चुके हैं, बर्फ से भरे हुए पूरे पहाड़ देखेंगे, बहुत ही अच्छा है यार व्यू। सामने में इस साइड भी आपको पहाड़ है, बाहर में खुद की सब्जी वगैरह लगाते हैं छोटी सी फार्मिंग के, चलिए विजिट कीजिएगा जरूर। ये देखिए वर्ल्ड का हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड में आप वो रोप वाली जिप लाइनिंग कर सकते हो, ये रहा जिप लाइन जो यहाँ से लेके वो नीचे तक जाती है नुब्रा वैली में, ये है। अभी तक हम नुब्रा वैली से बाहर नहीं निकले, अभी नुब्रा वैली हुंदर के आगे 2-3 गांव पार करके हम लोग पेंगोंग लेक पहुंचेंगे। क्या मस्त रोड है, देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट रोड और दोनों साइड सैंड ड्यून्स है और बीच से हम जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पहाड़ के बीच बीच में ही कोई रास्ता निकला है जो दूसरी साइड हमें ले जाएगा। ऊपर में देखिए पूरी बर्फ हुई पड़ी है, इस साइड पूरे बादल नीचे आए हुए हैं और ठंड यहाँ अभी 0 degrees के आसपास है, सुबह में -2 थी। पेंगोंग लेक में भी इतनी है -2, उसके बाद आस्ते आस्ते 1 तक जाएगी या 2 तक जाएगी बस।
टी स्टॉप पे है, यहाँ पर 89.94 लीटर डीजल है। यहाँ पर अब एक टैंक फुल करा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बाद पेंगोंग लेक जाना है, वहाँ पर डीजल है नहीं है। एक बार जहाँ मिल रहा डीजल हम लोग लेते जा रहे हैं। ये है नज़ारा, ये हम लोग अपनी केन में भी डीजल डाल ले रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत कम डीजल पंप मिलेंगे, इसलिए हम लोग अपनी केन भी फिल कर ले रहे हैं। कम से कम 30 लीटर इसमें भी ले रहे हैं। ये 2810 रुपए का 31 लीटर .25। ये इतनी अच्छी तरह से पूरा कंप्यूटर लगा हुआ है, जिसमें आपको श्योरिटी मिलेगी कि डीजल एकदम एक्यूरेसी में है। यहाँ पे ई कार्ड भी चलाने को मिल सकती है आपको, इसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हो पहाड़ पे। ये रही नूबरा वैली पेट्रोल पंप के सामने, टी मोड इसको बोलते हैं, टी मोड। और आपको आगे एटीवी बाइक्स भी मिलती हैं, जो सैंड ड्यून्स में भी चला सकते हैं। वो रही एटीवी बाइक्स, सामने माउंटेन्स के आप इंजॉय कीजिए एटीवी बाइक्स। यहाँ पर एटीवी बाइक्स के बहुत ज़्यादा आपको स्टॉल्स वगैरह मिलेंगे, जहाँ पर आप इसके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये रहा एटीवी बाइक्स, ये सामने में सैंड ड्यून्स हैं छोटे छोटे, जहाँ पर आप इसको चला के एक्सपीरियंस कर सकते हो एटीवी बाइक्स के। आर्मी वाले और आपको बीआरओ की टीम पूरी मिलेगी यहाँ वर्क करते हुए। ये रहा, रात में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी। और देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाली जेंट्स, लेडीज भी वर्क कर रही है। ये पूरा काम बीआरओ की तरफ से है, और सपोर्ट आर्मी वालों की रहती है। और आर्मी में भी ज़्यादातर आपको पंजाब रेजिमेंट के ही बंदे मिलेंगे, बिहेवियर बहुत अच्छा है, सत श्री अकाल बोलने की देरी है, चाय तो ज़रूर पूछेंगे, अगर किसी के पास कुछ खाने को होगा तो एक बारी वो भी आपको सर्व करेंगे। ये देखिए रोड की हालत, ये पूरी रात में जो बारिश हुई है उसके साथ में पूरा नीचे पहाड़ आ चुका था, मिट्टी मिली हुई। देखिए काफ़ी डेंजरस रोड है, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े पहाड़ भी गिर जाते हैं कभी कभी। ये देखिए बारिश हुई है, साथ में ही पूरा अपना मड लेके नीचे आई है पूरे। देखिए देखिए ऐसे लग रहा कि जैसे हम लोग अपने सीमेंट वाले रोड, सीमेंट मिक्स रोड में नहीं हो जाता वैसा दिख रहा है। और चौड़े टायर के चलते हमको बहुत स्लो पार करनी पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत दूर तक फेंकते हैं। और ये रहा देखिए रिवर, पूरा ब्लू है, पूरा ब्लू है पानी, पूरा ब्लू। जेरी कैन लीक हो गया ढक्कन के वहां से, और ये पूरा ही डीजल डीजल हो गया गाड़ी मेरी। ये देखिए बहुत ज्यादा डीजल गिरा है। ये देखिए अभी तक गिर रहा है, देखिए पूरा ही डीजल डीजल कर दिया गाड़ी। मैन कम से कम 3-4 लीटर डीजल बर्बाद तो हुआ ही हुआ है, डीजल की इतनी टेंशन नहीं है, बैग सब भी थोड़े थोड़े डीजल से भिग गए हैं। फर्स्ट टाइम जर्नी में दिक्कत आई है, चलो इतना सा तो चलता ही है, मगर टाइम भी खराब हो रहा है। डीजल डीजल हो गया अपन
बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिला है। एक बैग इतने 2-3 दिन बाद पेड़ दिखने को मिले हैं, और डीजल ने पूरा ही मूड अपसेट कर दिया, पूरी गाड़ी डीजल डीजल हो गई है। और ये रहा रास्ता आगे का, पूरा ही ऑफ रोडिंग बेल्ट। और ये देखिए रास्ता, 2-3 दिन में एक बारी लैंडस्लाइड कहीं ना कहीं हो ही जाती है, जिसके चलते यहाँ पर कमस्तु की क्रेनें बहुत ज्यादा खड़ी रहती हैं, जिससे वो रोड कैरी ऑन करने के लिए रखते हैं। और ये क्लियर भी करते हैं रोड को, क्योंकि हम इतनी दूर से आए और इसको, इस जगह को एक्सप्लोर कर सके। वो ऊपर में भी देखिए क्रेन चल रही है। ये फर्स्ट आयरन ब्रिज जो हमने क्रॉस किया, वो देखिए ये भी कार वाले ने ऊपर पेट्रोल रखा हुआ है गैलन में। देखिए यही छोटी छोटी गैलन हमको लेनी चाहिए थे, मगर हमने गलती कर दी। जमशेदपुर से ही गैलन लेके चले थे कि आगे में जहां मिलेगा डीजल तो ले लेंगे, या अगर गैलन नहीं मिली तो दिक्कत ना हो। ये है रास्ता, चालू कर दे वीडियो चालू। ये देखिए इसी तरह से लैंडस्लाइड हो जाती है पूरे ही पहाड़ में, जिसको ये कमस्तु क्रेने, टाटा की क्रेने से रिपेयर करते रहते हैं, क्लियर करते रहते हैं कि हम ये जर्नी अपनी कंटिन्यू रखें। ये देखिए पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ है, रोड तो यहाँ रह गई है। रोड अब उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया है कि हम क्लियर आउट हो जाएं। अब जैसे जैसे आगे बारिश आएगी और ज्यादा यहाँ डेंजरस हो जाएगा पाथ। ये देखिए पूरा ही पहाड़ नीचे आया हुआ है। ये रास्ता पेंगोंग लेक को जोड़ता है। ये देखिए रोड पूरा टूट गया। बहुत डेंजरस हुआ पड़ा है, ये कोई भी टाइम ऊपर से कुछ भी गिर सकता है हमारी तरफ। ये देखिए देखिए कितना डेंजरस हुआ पड़ा है पाथ। मुझे अपना अलॉय व्हील भी बचा बचा के पार करना पड़ रहा है, क्योंकि अलॉय व्हील टायर बाहर है गाड़ी से, दागी ना हो जाए। जब बारिश होगी तब पूरा रोड डैमेज। ये देखिए नीचे वाला रोड, हमें यही रोड क्रॉस करके जाना है। पूरे रिवर के अंदर में जो इन्होंने रोड बनाई है वही वाली रोड की क्रॉस करके हमें दूसरे माउंटेन पे चढ़ के पेंगोंग। ये अब रोड खत्म हो गया और अब हम अब नदी के बीच वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये पूरे नदी के ऊपर ऊपर रोड बने हैं, और रोड लगता बह गया इस बार ही पानी के साथ ही। ये रहा रास्ता जहाँ से हम आए हैं, वो साथ वाले जो चंडीगढ़ वाला ब्रदर था वो देखिए वो भी आ रहा पीछे से, और पूरा ही रास्ता डैमेज हो चुका है। अब हमें वो वाली नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ आयरन ब्रिज वो क्रॉस करके जाना है। ये रहा रास्ता, तो रोड पूरी खत्म हो चुकी है, पानी के साथ लगता बह गई होगी। अब ये नहीं, उन्होंने मिट्टी डाल के थोड़ा सा ऊपर करके बनाया है। और ये देखा उसने गलत रास्ता ले लिया था। ये देखिए एक जगह और लैंडस्लाइड हुई पड़ी थी, अब इसी को साफ करके गए हैं 2 दिन पहले ही। बारिश में पूरा ये पहाड़ नीचे आ गया था रोड पे। ये देखिए ये आगे वाले माउंटेन भी काट के नया रास्ता बनाया है।
ये कितना खतरनाक है, देखिए पूरे माउंटेन रोड पे गिरे हुए, देखिए ये सब ताजे ताजे गिरे हैं, देखिए ये बहुत ही डेंजरस है, देखिए पूरे स्टोन टूट के रोड पे आए हुए, देख रहे हो बीच बीच में कहीं कहीं बहुत डेंजरस टर्न्स आ जाते हैं, साथ में ही ऊपर से स्टोन गिरने का रहता है, और ये जो स्टोन है ये एक बार अगर गिर गए तो गाड़ी डैमेज। हमें अभी पीछे में एक जन ने बताया कि दो दिन पहले यहाँ एक इनोवा के ऊपर गिरे थे ये लो स्टोन, इनोवा बीच से पूरी खत्म हो गई, छत उसकी फट गई थी, और ये स्टोन बहुत नोखीले और तीखे हैं, देखिए देखिए ये पूरी तरह से रोड डैमेज हुआ पड़ा है, बारिश के चलते पूरे रोड में पत्थर आ गए थे, पहाड़ लैंडस्लाइड हुई पड़ी है, देखिए इसीलिए बहुत जन पेंगोंग लेक ले उधर उधर घूम लेते हैं, बहुत कम टूरिस्ट है जो हुंदर नूबरा साइड आते हैं। देखिए आगे फिर रोड पूरी खत्म हो गई है, डबल शेडेड थार पूरा डीजल डीजल ने इसका काम कर दिया खराब, ये डबल शेडेड थार हो गई मेरी,
और ये वाले ट्रिप में मोटुल ने मुझे इंजन ऑयल स्पॉन्सर किया है। पूरी तरह से वर्क प्रोसेस में, प्रोग्रेस में पूरी तरह से वर्क। वो देखिए किस तरह से लोग पहाड़ काट रहे हैं। छोटी वाली क्रेन ऊपर चढ़ाई है रॉक ब्रेकर, और नीचे में बड़ी वाली रॉक ब्रेकर लगाई हुई है। और ये भी पंजाब का ही है लड़का है देखिए, जो इसको ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। ऑपरेटर भी पंजाबी है। चलिए थोड़ी देर हम लोग भी फ्रेश होते। ये देखिए किस तरह से बीआरओ ने रोड बनाया पूरा पहाड़ काट के पेंगोंग लेक जाने की तरफ। ये नया रोड बनाया पूरा, पहले वाला रोड नदी के बगल बगल में था जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब ये नया रोड बनाया बीआरओ ने पूरा पहाड़ काट के, और काफी अच्छा रोड है। ये देखिए ऐसे लग रहा नहीं है स्वर्ग में आ गए हैं फिर से। दोनों तरफ माउंटेन, बीच में ये ब्रिज नहीं बनी है देखिए, क्या सुंदर है। ये देखिए बारिश होने लग गई, एक बैग मौसम चेंज, पूरा बादल पूरे पहाड़ों से नीचे। और ये हमारा रोड, बगल से रिवर जा रही है, दोनों साइड माउंटेन है, और हवा बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रही है। ये देखिए एवेंजर लेके आया है भाई, ओडी नंबर, उड़ीसा नंबर, और ये सोलो राइड कर रहा है पूरा उड़ीसा से। हम लोग गाड़ी में थक जा रहे हैं और ये लोग बाइक में पूरी राइड कर रहे हैं। ये देखिए ओडी नंबर है, झारखंड के बगल से उड़ीसा का। ओके उड़ीसा ले ओ। कितनी सुंदर बगल से नदी बह रही है। और वो भी भाई हमारे साथ में अपनी थार चंडीगढ़ वाली लगा के बैठा हुआ है। बहुत ही सुंदर है पूरा पैच, बहुत ही सुंदर। आप जब भी आए थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी कीजिएगा, उंदर से अगर पेंगोंग की तरफ जाना है थोड़ा जल्दी निकल जाने की कोशिश कीजिएगा। अगर बारिश हो जाए गई बीच में तो रास्ता पूरा ही कच्चा है और बहुत दिक्कत होगी। बीच बीच में तो कहीं जगह पूरा रोड बह गया है, अभी भी काम कर रहे हैं। कुछ क्लिप मेरी आप पहले भी देख चुके होंगे वीडियो में, बहुत दिक्कत होगी। पीछे देखिए पूरी तरह से मौसम चेंज हो गया है, एकदम मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लग गई है पीछे में। और इस बारिश में इस टाइप के रोड में चलना बहुत ही खतरनाक है। आप देख सकते हो कैसे पत्थर गिरने की कतार, कोई भी टाइम यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है। ये वाले स्टोन देखिए कैसे फंसे हुए,
जोर से बारिश हुई, मिट्टी नीचे से खसकी, पूरा बड़ा स्टोन रोड पे, इसलिए इस रोड में बहुत कम टूरिस्ट दिखते हैं, जो भी है मॉर्निंग में निकल जाते हैं। चलिए अब पैंगोंग लेक की तरफ बढ़ते हैं। हैवी टायर के चलते ये रहा, इसमें क्रैक मार्क आ गया है स्टेपनी में। इतनी ज़्यादा ऊपर खाबड़ है कि यहाँ से स्टेपनी ने अपनी वेल्डिंग छोड़ दी है। ये रही, देख रहे हैं जहाँ पर रस्टी हुई है वहीं से उसने अपने वेल्डिंग छोड़ दी है और क्रैक हो गई। ये देखिए यहाँ पर पूरा सोलार पैनल लगने लगा है, जिसका स्ट्रक्चर इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। लाइट के लिए पूरी तरह से सोलार पैनल लगने का स्ट्रक्चर बन चुका है। ये मेरे को लगता है बीआरओ या आर्मी वालों का कैंप है, जिसके लिए इतने ज्यादा सोलार पैनल लगे हैं और गांव को पूरी बिजली जाएगी लगता है। काम बहुत स्पीड से हो रहा है इस एरिया में। पैंगोंग से पहले एक यहाँ पर भी टी मोड आता है, वो रहा टी मोड, आर्मी कैंप पार करते साथ ही। और ये पैंगोंग वे रेस्टोरेंट है, यहाँ से हमने आंटी से ब्रेड ऑमलेट और चाय पी, काफ़ी टेस्टी था। और डीजल जो बचा हुआ था वो कुछ डाल लिया, कुछ बच गया उसको ऊपर कैरी कर ले रहे, फिर आगे बढ़ेंगे। और हल्के हल्के बर्फ़ के छोटे छोटे स्पार्कल्स गिरने लग गए हैं, वो रही स्नो। और इस साइड देखो कैसे बादल आ गए हैं पूरे नीचे, आगे भी स्नो हो रही है पैंगोंग लेक तरफ। ये देखिए जैसे जैसे हम पैंगोंग लेक की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका बर्फ गिरने लग गई है और पूरी तरह से सब तरफ पहाड़ में बर्फ जम गई है। जहां जहां पानी है पूरी बर्फ हो गई है पूरी। अभी यहां पर बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, रोड में देखिए कितना पानी है और जहां पानी रुका था वहां वहां बर्फ जम गई है। ये देखिए बहुत ज्यादा ठंडी हवा, ऐसे लग रहा कि जैसे एसी चालू हो गया है। अभी चिल्ड मूड में -2 डिग्री है ठंडी यहाँ पर, -2 डिग्री। चौड़े चक्कों का नुकसान देखिए, मट्टी अंदर तक आ रही है, मगर ये है कि फायदा ये है जहां से हम जा रहे हैं सब गाड़ी की तरफ एक नजर जरूर घूम के देख रहे हैं। अब बर्फ देखिए पहाड़ में क्या सही है, साइड में भी देखो पूरी साइड में बर्फ बर्फ हो गई है थोड़ी थोड़ी। देखिए पूरी बर्फ, ये देखिए बर्फ ही बर्फ, आगे देखिए पहाड़ में पूरी बर्फ नीचे उतर रही है। मौसम कितना सुहाना है, हर जगह बर्फ बर्फ। देखिए पूरी तरह से बादल नीचे आया हुआ है कितना। आगे देखिए पूरे पहाड़ में बर्फ ही बर्फ है। रोड बहुत ही खराब है यार, यहाँ पर बहुत खराब, पूरा ऑफ रोडिंग पैच है। देखिए रोड पूरी तरह से डैमेज हो गई थी जो बीआरओ ने उखाड़ फेंकी है साइड में, और ये रोड चौड़ी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अब नई रोड बनेगी इसमें। ये लोकेशन देखिए कितनी सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, माउंटेन इन माउंटेन, बीच में बर्फ से भरे हुए, और ये रिवर बेल्ट। साफ पानी है, एकदम साफ पानी।
के 7:22 हो गए हैं और पूरी धूप है बाहर में, मतलब रोशनी है, धूप इन द सेंस पहाड़ चमक रहे हैं धूप से, मगर नीचे में खाली रोशनी है, लग रहा ही नहीं है कि 7:22 रात के हो रहे हैं। बहुत ही ठंड थी बाहर में, हम लोग उठ रहे थे ड्रोन शॉट लेने के लिए और इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी बाहर में कि बोल नहीं सकते हम लोग। अभी तक मतलब गाड़ी के अंदर बैठने के बावजूद भी ठंड लग रही है शरीर में। ये देखिए याक, याक हम लोग फंस चुके हैं पेंगोंग लेक से पहले, अंधेरा हो गया रील्स बनाने से के कारण और बहुत ही रोड डैमेज है, बीच बीच में तो कहीं पूरी कनेक्टिविटी टूटी हुई है और अब जाके डर लग रहा है क्योंकि पहाड़ों का अंधेरा तो आपको मालूम ही है, कुछ नहीं आगे दिख रहा, रोड की कंडीशन बहुत ही बुरी है और शीशे खोल के हम लोग चल नहीं सक रहे क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ है, एकदम नीचे में जहां भी आप पानी हल्का सा है जम गया है और देखिए रोड की हालत बहुत ही डेंजरस हो चुकी है यार, साइड में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, बार बार शीशे खोल रहे हैं देख रहे हैं कि हम सीधा जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं कि नहीं, अब डर लगने लगा है यार पहाड़ों में कि पहाड़ों का अंधेरा तो बोलते ही है कि बहुत खतरनाक होता है, रियली बहुत खतरनाक है। ये देखिए व्हाइट कलर की आपको दिख रही है ये बर्फ है पूरी, बीच बीच में तो कहीं कहीं बीआरओ का टेंट था उसके ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई थी और अब समझ में नहीं आ रहा ये रास्ता ठीक जा रहे हैं कि नहीं क्योंकि नेटवर्क भी नहीं है और ऑफलाइन मैप हमने डाउनलोड की नहीं है और बीच बीच में कहीं कहीं उन्होंने रोड पूरी ही काट दी है और नीचे पहाड़ों के नीचे रास्ता उतर रहा है और डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है कि कहीं से कोई ऊपर से कोई बड़ा स्टोन वगैरह ना आ जाए। चलिए अब पहुंच के ही पेंगोंग लेक हम आपको मिलते हैं, रास्ता भूल गए हैं और समझ में नहीं आ रहा, इस साइड देखो पूरा अंधेरा है, अब दोनों गाड़ी रुक के हम लोग रास्ता सर्च कर रहे हैं कहाँ है रास्ता, आगे रोड डेड हो गया यार समझ में नहीं आ रहा, अब एक टॉर्च निकाली है बड़ी वाली, अब देख रहे हैं कि है कहाँ रास्ता, अब डर लगने लगा है यार समझ में नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है हम लोग को, भाई टॉर्च निकाल के जा रहा है रोड सर्च कर रहे हैं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, गलती हमसे ये हो गई हम लोग 2-3 जगह बीच में रुक के ड्रोन से शॉट लेने लग गए उसके चलते हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंस गए। ये देखिए पीछे में कैसे बादलों के बीच में हल्की हल्की लाइट दिख रही है और ये पहाड़ ऐसे भी डेंजर है यार, वाहेगुरु हेल्प मिल जाए और हम कवर कर लें, ये टॉर्च मार मार के सर्च कर रहे हैं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ है और एक मारुति वाली गाड़ी हमारे जो पीछे थी वो भी आ रही है, रोड सर्च कर रहे हैं यार देख देख के पता कर रहे हैं किस साइड है, ये देखिए समझ में नहीं आ रहा पेंगोंग लेक पहुंच गए थे, हमने ये वाला कॉटेज ले लिया, साफ सुथरा कॉटेज है, वॉशरूम भी इसके नए बने हुए साफ सुथरे कॉटेज के अटैच है, ये इसके कॉटेज 2000 एक कॉटेज का, 2 कॉटेज हमने ले लिए और सामने ही कॉटेज के हमने अपनी थार खड़ी कर ली। चलो गुड नाइट फ्रेंड्स, अब कल सुबह पेंगोंग लेक का व्यू आपको दिखाऊंगा, बस नीचे में पेंगोंग लेक है ऊपर में कॉटेज बने हुए थे, कॉटेज हमने ले लिए, चलो गुड नाइट और चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
ये हम करने लगे हैं पेंगोंग लेक गेस्ट हाउस में, उसी में कॉटेज में डिनर करने लगे हैं। वो रहा बूफे लगा और सब हमारे भाई लोग डिनर लेके आ गए हैं। अब डिनर करके बस थके हुए हैं, जाके सोएंगे।